नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। काफ़ी सारे दोस्त बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्हीं की डिमांड को देखते हुए आपको पता होगा कि जो अप्रैल एग्जामिनेशन की जो लेट फीस के साथ फीस जमा हो रही थी, एग्जामिनेशन फीस, उसको भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो 18 अप्रैल दोस्तों लास्ट डेट थी, उसको भी फिर आगे चल के बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्त, हमारी बहुत तगड़ी डिमांड के बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया था, यानी कि जून में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो जून एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है जिन्होंने अभी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दिया था और 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका भी रिजल्ट आया ऑन डिमांड वालों का। उनमें ऐसे काफ़ी सारे बच्चे फेल हो गए, SYC, SYCT, SYCP, XS उनके आनी स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से वो रह गए। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, आप पब्लिक एग्जाम्स के अंदर जो अभी जून वाले होने वाले थे, है ना, अभी हुआ तो है नहीं, तो जून वाले में आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हो, क्योंकि प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो आप पब्लिक एग्जामिनेशन में फीस पे करवाने के लिए आप दिए गए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और एग्जामिनेशन फीस आपकी पे हो जाए। एंड जो सबसे बड़ी बात अभी ये है कि जो बच्चे जिन्होंने अभी जैन फेब के अंदर अपना जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके ओरिजिनल मार्कशीट मिलने स्टार्ट हो गए। जैसे दोस्त, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्कशीट लेकर आ गए हैं, ये को 3 मार्कशीट आपको मिलेंगे इस तरीके से, और ये तीनों मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है। तो दोस्त, जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये भी स्टडी सेंटर से गए थे, स्टडी सेंटर से लेकर आए थे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लेकर आ चुके हैं, जो अभी तक लेकर नहीं आया वो जाके ले आना। हाँ, अगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टडी सेंटर पर जा नहीं सकते, मैं भी ये कहूँगा घर पर रहना, तो इसी वजह से दोस्त आपका जो मार्कशीट है आप उसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप ऑनलाइन बाय पोस्ट भी अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो अपने तीनों मार्कशीट को। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया इस पर क्लिक करके, ठीक है, आप उसमें जो भी फीस ऑनलाइन की जो एनुअल की फीस लगती है आप उसको पे करके आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हो, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, अप्लाई एनुअल मार्कशीट पे आप देन अप्लाई कर दोगे, यानी कि जैसे पे होगा आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, देन आपका मार्कशीट अप्लाई हो जाएगा और बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे जो कि एनुअल में रजिस्टर्ड है उस एड्रेस पे आपको मार्कशीट आपका सेंड कर दिया जाएगा। बाकी आप चाहते हो खुद से लेकर मतलब लेना, तो आप स्टडी सेंटर पे जाके लेके आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। बाकी दोस्त, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि TMA के लेकर भी दोस्त, ऐसे काफ़ी सारे स्टडी सेंटर जो हैं वो आपके TMA एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उनकी सिचुएशन बताना अपनी, ठीक है, कि हमारी सिचुएशन थोड़ी इस तरीके से रही थी इसलिए हम TMA नहीं दे पाए थे। तो आप सब उनके अपनी TMA ज़रूर दे देना, और एक चीज़ दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस ज़रूर पे कर लेना अपनी, ठीक है। तभी आपको हमने हेल्पलाइन नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सअप करना, क्योंकि टीम इस समय दोस्तों वर्किंग पे नहीं है लॉकडाउन की वजह से, व्हाट्सअप करना, आप अपने एग्जामिनेशन फीस पे करवा लेना जल्दी से, जो अभी तक पे नहीं करवाए हैं या वो ऑन डिमांड के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन फीस पे करवा सकते हो ऑन डिमांड की या पब्लिक एग्जामिनेशन की, ताकि आपका ये प्रमोशन का चांस बढ़ जाए, बच्चे प्रमोट होते हैं तो आप भी प्रमोट हो जाओ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फीस और जो मार्कशीट अप्लाई के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और जो मार्कशीट अप्लाई की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो डायरेक्ट आप वहीं से अप्लाई करें, वो एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए आप नीचे यानी जो वर्ड नंबर देगा आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्त, इस मैसेज को सभी जगह शेयर करना, ताकि एक भी स्टूडेंट ना रह जाए, ठीक है, सभी का फायदा होना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।